नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सूर्या प्रजापति, आप देख रहे हैं सूर्या इन्फो। आज के व्लॉग में हम आपको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन का परिचय देंगे और साथ ही उस जगह पर लेके जाएंगे जहां पर उन्हें विष दिया गया था, और ये भी बताएंगे कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण उनका नाम मूल शंकर रखा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के प्रकांड विद्वान स्वामी विरजानंद जी से शिक्षा ग्रहण की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कई कुरीतियों को दूर करने में अपना खास योगदान दिया था। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च माना और वेदों का प्रमाण देते हुए हिंदू समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। स्वामी जी निर्भय होकर समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ते रहे और सन्यासी योद्धा कहलाए। स्वामी जी ने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में सभी मतों में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया। उन्होंने वेदों का प्रचार करने और उसकी महत्ता लोगों को समझाने के लिए देश भर में भ्रमण किया। मूर्ति पूजा और कर्म कांड के विरोध के कारण इनके शत्रुओं ने कई बार इन्हें जान से मारने का भी प्रयास किया। कभी पान में जहर देकर मारने की कोशिश की गई तो कभी सांप से डसवाने की कोशिश भी की गई, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने स्वामी दयानंद जी को आमंत्रित किया। स्वामी जी निर्भीक और स्पष्टवादी थे। उसके डर से कुछ शुभ चिंतकों ने उन्हें आगाह भी किया था, पर स्वामी जी ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और राजस्थान आ गए। तो उन्होंने देखा कि महाराजा पर एक वेश्या का काफ़ी प्रभाव है। स्वामी जी के समझाने पर महाराजा जसवंत सिंह ने वेश्या से नाता तोड़ दिया। इस बात से नन्ही जान नाम की वेश्या को बहुत क्रोध आया और क्रोधित होकर उस वेश्या ने स्वामी जी के रसोइये को पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और स्वामी जी के दूध में शंख्या नामक भयंकर जहर मिलाकर उसमें कांच पीसकर मिला दिया और स्वामी जी को दे दिया गया। और स्वामी जी ने हमेशा की तरह प्रसन्नता से वो दूध पी लिया, लेकिन दूध पीते ही वो भाप गए कि दूध में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत रसोइये जगन्नाथ को बुलाया और सारा भेद खुलवाया। रसोइये ने सब सच बता दिया। स्वामी जी बोले, जगन्नाथ तूने ये क्या कर दिया, अभी तो बहुत से काम मेरे बाकी पड़े थे। फिर स्वामी जी ने रसोइये को 500 रुपये देकर उसे भगा दिया ताकि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। ये देखकर जगन्नाथ को अपने किए पर घोर दुख हुआ और स्वामी जी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। फिर उन्हें जोधपुर से आबू लेकर गए, पर उनका इलाज नहीं लगा। वहाँ पर इलाज संभव नहीं हो पाया, उस कारण उन्हें अजमेर लेके गए। वहाँ भी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। स्वामी जी समझ गए थे कि उनके जाने का वक्त करीब आ गया है और 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन स्वामी जी परलोक सिधार गए। कहते हैं मृत्यु से पहले उनका अंतिम वाक्य था, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। और इस तरह अंत घड़ी में स्वामी जी ने ओम शब्द का उच्चारण किया और अपना शरीर त्याग दिया और नाशवान चोला यहीं छोड़ दिया। स्वामी जी के बारे में संक्षिप्त में कुछ परिचय करवाया है हमने आपका, लेकिन आने वाले समय में हम इसे विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। तो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग। इसी तरह की नई नई जानकारी के साथ में हम फिर हाजिर होंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।